नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं भोजपुरी रिमझिम में। दोस्तों, जैसे कि पता है कि भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव ने एक अनाउंसमेंट किया था और वह अनाउंसमेंट ये था कि अगर कोई राइटर 100 मिलियन का गाना दे देता है तो उसको 1 लाख रुपए का इनाम राशि दिया जाएगा, जिसको लेकर तमाम तरीके की बातें होने लगी है और लोग ये पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि सही में खेसारी लाल यादव जो है 100 मिलियन लाइक्स 100 मिलियन व्यूज होने पर दे रहे हैं। इसको लेकर जैसे कि आपको पता होगा कि ले ले आई कोका कोला जो गाना था वो भी 100 मिलियन के क्लब में शामिल हो गया है और 100 मिलियन के क्लब में शामिल होने के साथ लोग कयास लगा रहे हैं। उसका स्टेटस क्या है मैं पूरी जानकारी बताऊंगा, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर जो है वो भोजपुरी इंडस्ट्री से सामने आ रही है कि आजाद सिंह को जो है वो 1 लाख रुपए का चेक मिला है। और आजाद सिंह इस तस्वीर को पोस्ट करते हुए लिखते हैं, जैसे कि आप हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि खेसारी लाल यादव जो है कोट उन्होंने टैग भी किया है और इस तस्वीर को साझा करते हुए आजाद सिंह लिखते हैं कि आप सभी से बताने में खुशी हो रही है कि मुझे लागे लुजहर गाने के लिए बालाजी रिकॉर्ड्स के मालिक प्रवीण ओझा जी और अमितेश रंजन और अप्पू जी की तरफ से मुझे 1 लाख रुपए का चेक सम्मान रूपी प्रदान हुआ। मेरे हौसला बढ़ाने के लिए बालाजी रिकॉर्ड्स को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। मेरा मुहिम सफल हुआ, भोजपुरी सिनेमा की दुनिया की सेवा में आगे भी हम सदैव तत्पर रहेंगे। लव यू ऑल, खेसारी लाल यादव को टैग किया है, श्वेता माराकर टैग किया है और लकी विश्वकर्मा, शिल्पी राज और विवेक सिंह म्यूजिक डायरेक्टर को उन्होंने जो है वो कहीं ना कहीं टैग किया है। लेकिन इन्होंने ये नहीं लिखा है कि 100 मिलियन व्यूज के लिए ये 1 लाख रुपए दिया गया है, लेकिन जो भी दिया गया है ये खुशी की बात है और हो सकता है कि 100 मिलियन गाना लागे लो जो हर लगभग हो ही गया है, सारे व्यूज को मिला दिया जाए और जो गाना ले ले आई कोका कोला रिलीज हुआ है उसके लिए भी चेक तैयार है। पवन पांडे ने बताया था खेसारी लाल यादव पटना पहुंचेंगे तो वो प्रकाश बारूद को सौंपने वाले हैं। तो ये बड़ी खुशखबरी है, अच्छी बात है कि प्रोत्साहन राशि भोजपुरी कलाकारों को मिलती है। तो इस पर आपकी क्या राय है बताइएगा, ठीक, धन्यवाद।